दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खत्म होने के बाद अब 3 वनडे मैचों की सीरीज भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इसके बाद शुरू होगा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज, जिसमें पहला मुकाबला खेला जाएगा 26 दिसंबर से सेंचुरियन में, जबकि दूसरा मुकाबला खेला जाएगा नए साल 3 जनवरी 2024 से केप टाउन में। T20 और वनडे सीरीज से आराम करने वाले भारतीय टीम के नियमित कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट मैचों की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसी बीच दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका से निपटने के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिससे साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम से पार पाना आसान नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों पहले टेस्ट मुकाबले में कैसी रहने वाली है टीम इंडिया का प्लेइंग 11, वीडियो में आगे दिखाऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज को अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसमें सीरीज का आखिरी मुकाबला आज बोलैंड पार्क में खेला जा रहा है। केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय वनडे टीम ने पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को एक तरफा हराया था, तो वहीं दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा, जिसके लिए भारतीय टीम इन 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतार सकती है। कप्तान रोहित शर्मा के साथ एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर इस बार शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय टीम में ओपनर के तौर पर जायसवाल ऑलरेडी मौजूद है। नंबर 4 पर होंगे विराट कोहली, जिनके लिए नंबर कोई मायने नहीं रखता। नंबर 5 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। नंबर 6 पर होंगे श्रेयस अय्यर, जो इस समय अच्छी लय में हैं। नंबर 7 और नंबर 8 पर होंगे रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, जो अपने बल्ले और गेंद दोनों से विरोधियों के छक्के छुड़ा सकती हैं। जबकि प्लेइंग 11 में 3 तेज गेंदबाजों को खिलाया जा सकता है, जिसमें होंगे शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से प्लेइंग 11 बनाकर हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।